ओके भाई लोग, अब देखो भाई, इस केडामा के आने या ना आने से बहुतों को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑडियंस ये चीज जान के खुश है कि भाई प्राइम वीडियो भी जिंदा है। मींस फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम वेट के बाद प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर एक केड्रामा आया है, वो भी भाई हिंदी डब में। नाम है भाई इसका नो गेन नो लव, जो कि भाई आपके सामने एक रोमांटिक कॉमेडी के थीम को एक्सप्लोर करेगा। लाइक काइंड ऑफ बिजनेस प्रपोजल पकड़ के चल सकते हो, कंपैरिजन नहीं कर रहा बता रहा। जिसके सीजन भाई आपको टोटल 12 एपिसोड देखने हैं, लेकिन भाई ये प्राइम वीडियो की ओरिजिनल सीरीज है नहीं, इसलिए जो इसके एपिसोड है वो वीकली बेसिस पर आपको देखने को मिलेंगे। मींस भाई हर मंडे ट्यूसडे आपको शाम के 6:30 बजे का वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए इसका एपिसोड 1 आया जिसको मैंने देख लिया, एंड आज के वीडियो में आप लोग इसी का चीड़फाड़ करेंगे। एंड यही एपिसोड 1 देखने के बाद मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा कि भाई जो ये केड्रामा है वर्थ वॉचिंग है या फिर वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड भाई सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेटली कि किस ऑडियंस को ये टारगेट करता है, क्या आप उसमें आते हो या फिर नहीं। बट भाई उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको केड्रामास पर रिव्यूज या फिर अपडेट वगैरह सुनना देखना पसंद है तो हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी इस पर वीडियोस मिल जाएंगी। एंड अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस तरह का कंटेंट आपको पसंद है, डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो हमारी कम्युनिटी को ग्रो करने में। प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, प्लीज सब्सक्राइब, फ्री का है भाई, 1 सेकंड लगेगा। की बात करें तो काफी बढ़िया कहेगी, लगभग नेटफ्लिक्स की डबिंग के पास आसपास है। अभी एपिसोड 1 के अकॉर्डिंग सीरीज फैमिली ऑडियंस के लिए नहीं बनाई गई है, क्योंकि भाई इसमें आपको बहुत सारे एडल्ट डायलॉग सुनने को मिलेंगे। एंड एपिसोड 1 में ही भाई बता दिया गया कि आपको इसमें कुछ एडल्ट सीन्स भी देखने को मिल सकते हैं। फैमिली के साथ देखने के लिए पूरा माइंड प्रिपेयर करके जाना। बाकी भाई कहानी की बात करें तो अब भी मुझे सिंपल लगी है, जहां पर जर्नी आपको एक लड़की की फॉलो करनी है जो कि भाई कभी भी लॉस में नहीं रहना चाहती। बचपन से ही भाई वो प्यार के मामले में लॉस को सहते आ रही, मतलब घाटा उसका होते आ रहा है, क्योंकि भाई जो उसकी माँ थी काफी ज्यादा दयालु थी एंड किसी ना किसी को वो पकड़ के ला करके पालती थी, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर उसका फुल अटेंशन होना चाहिए उसकी माँ का, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से उसको ऐसा फीलिंग आता था कि भाई उसकी जो माँ है उसको टाइम नहीं देती, उसको प्यार नहीं करती। एंड ये चीज भाई उसको कतई बर्दाश्त नहीं थी। बस बचपन से रिलेटेड अभी इतना ही देखने को मिला है, बट प्रेजेंट लाइफ में भी वो लॉस नहीं सहना चाहती। एंड दूसरे भाई अपना एक मेन हीरो है जो कि थोड़ा सा स्मार्ट है एंड काइंड ऑफ कैशियर की जॉब कर रहा है एक बेकरी स्टोर में। एक दिन ऐसा कांड हो जाता है उसकी अपने एक्ट्रेस की लाइफ में, जिसकी वजह से वो आ करके अपने हीरो के सामने प्रपोजल रखती है कि भाई भाई नहीं तो भाई मुझसे ढेर भाई बोल दिया, मतलब भाई तू मुझसे शादी कर ले। बल्कि इवन आपको एपिसोड 1 में पता चलेगा कि उनकी ज्यादा पट्टी नहीं है, किस सिचुएशन में आकर के ये प्रपोजल उसके सामने रखा है एंड क्या वो एक्सेप्ट करेगा, एंड अगर एक्सेप्ट करता है तो उनकी लाइफ में आगे क्या क्या होगा, क्योंकि दोनों के दोनों डिफरेंट पर्सनालिटी एंड डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। यही सब जानने के लिए भाई आपको इस रॉम कॉम सीरीज को देखना पड़ेगा जिसका नाम है नो गेन नो लव। अब अगर सीरीज की बात करें तो बस मैं इतना बोलूंगा कि इसका जो कॉन्टेंट है, इसका जो थीम स्ट्रक्चर या फिर जो आपको कहानी प्रेजेंट करने वाला, जो दुनिया आपको दिखाने वाला, वो स्पेशली टारगेट करता है रोम कॉम ऑडियंस को, मतलब जिनको रोमांटिक कॉमेडी टाइप वाली सीरीज देखना पसंद है वो डेफिनेटली इस सीरीज को लगाकर एंजॉय कर सकते हैं। एग्जांपल से अगर समझना चाहते हो तो बिजनेस प्रपोजल पकड़ लो, क्वीन ऑफ टीयर्स पकड़ लो, इस तरह की अगर आपने सीरीज को एंजॉय किया है देन डेफिनेटली इसके कंटेंट में आपको उसी टाइप का माल देखने को मिलेगा। बाकी भाई सीरीज में आपको एक्शन या फिर मिर्च मसाला बहुत ज्यादा मास लेवल का नहीं देखने को मिलेगा, तो अगर आप इस तरह की चीजों को देखना नहीं पसंद करते तो आप इसको अभी से इजीली स्किप कर सकते हो। बाकी मेरी बात करें तो इसका जो एपिसोड 1 था वो मुझे एंटरटेनिंग लगा है, चीजें देखने को मिली वो थोड़ा सा फील हुई, एंड जो कॉमेडी ये प्रेजेंट कर रही वो ठीक ठाक है, अभी तक बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत मुस्कान बना के रखती चेहरे पर। लेकिन हाँ डेफिनेटली एक प्रॉब्लम मुझे अभी तक फील हो कि जो जितने भी कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिले तो मैं किसी के साथ अभी इमोशनली कनेक्ट नहीं पाया। तो अक्सर जैसे बड़ी बड़ी सीरीज में होता है कि भाई पहले ही एपिसोड में आप कैरेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाते हो, उतना ज्यादा कनेक्टिविटी इस सीरीज के कैरेक्टर के साथ अभी नहीं फील हुई, एक्सेप्ट एक्ट्रेस आल्सो। इसको हटा करके जो सीरीज की प्रोडक्शन डिजाइन है या फिर जो BGM या फिर जो साउंड इफेक्ट आपको, जैसे अगर एक्ट्रेस ने ऐसे ऐसे किया तो साउंड डिजाइन आपको सुनने को मिलती है या फिर जो अदर चीजें अभी तक देखने को मिल रही है, प्रोडक्शन क्वालिटी को लेकर के कैमरा वर्क हुआ या फिर BGM OST वगैरह जो थोड़े बहुत सुनने को मिली वो सब बढ़िया है। तो ओवरऑल वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, बस मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि भाई प्राइम वीडियो पर काफी टाइम के बाद एक कोरियन ड्रामा आया है, एंड अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी वाले के ड्रामाज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस चीज को देखना ट्राई कर सकते हो। अगर आपको एपिसोड 1 समझ में आता है तो आप इसको कंटिन्यू रखना, लेकिन अगर आपको अभी भी 50-50 टाइप का मैटर लग रहा है तो मैं आपको इतना बोलूंगा कि मैं इस चीज को जब पूरी तरीके से खत्म कर लूंगा तो इसका एक फुल डिटेल रिव्यू करूंगा, एंड वहां पर मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा भाई ये सीरीज आपको कितना हंसाती है, कितना रुलाती है। तो अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो पेशेंस रखो, 1 महीने बाद मैं इस चीज का फुल डिटेल रिव्यू करूंगा, लेकिन अभी के लिए बढ़िया लग रहा है माल इसका, होप सो, फिंगर क्रॉस। एंड भाई प्राइम वीडियो पर आए तो क्या अपन लोगों को डेथ गेम भी देखने को मिलेगा हिंदी डब में, क्या बोलती पब्लिक? चैनल पर नए हो इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके प्लीज शेयर जरूर कर देना। बाकी मैं फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन बाय।